इसको नहीं हो सकती अदर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, एट्थ पॉइंट कंडीशन, एट्थ कंडीशन क्या है, आठवीं कंडीशन है वो औरत से निकाह करे जिससे आपको ज्यादा औलादे पैदा हो। आप बोले लेकिन शादी से पहले कैसे मालूम है किससे औलाद कितनी पैदा होंगी, ठीक है। होता है ऐसा हदीस में कुछ बातें आती है कई बार जो हम समझ नहीं पाते, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आइए इसके ताल्लुक से हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं, सुनन जो है सईद इब्ने मंसूर की रिवायत है, इसी तरह जो है ये इब्ने हिबान और बैहकी में भी रिवायत आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूब मोहब्बत करने वाली खूब बच्चे पैदा करने वाली, मतलब जिनसे खूब औलादे पैदा हो, खूब मोहब्बत करने वाली, खूब औलादे जिनसे पैदा हो, ऐसी औरतों से शादी करो इसलिए कि आखिरत में मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा, मैं फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत सबसे बड़ी उम्मत होगी, हमारे बाद सेकंड नंबर पे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी बनी इसराइल फर्स्ट, मैं फख्र करूंगा। क्या फरमाया, खूब मोहब्बत करने वाली जिनसे खूब औलादे पैदा हो ऐसी औरतों से निकाल।